वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आप अगर सेटिंग्स नहीं समझोगे दोस्तों क्रोमा टून्स की, तो दोस्तों आपको कार्टून वीडियो क्रिएट करना नहीं आएंगे। तो दोस्तों डे वन के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पूरी सेटिंग्स बताना लूँ, बस दोस्तों चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। डे वन में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप यहाँ से दोस्तों इन कहाँ से करोगे, कार्टून में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो दोस्तों सेटिंग के हिसाब से। फिर दोस्तों डे टू भी मैं इसके अकॉर्डिंग ही वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों डे वन में आपको मैं सिंपली तरीके से बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते मोबाइल के होम स्क्रीन पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोम टूल्स एप्लीकेशन का ये इस प्रकार से इंटरफेस शो हो चुका है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको पहले सारी चीज़ें समझ लेनी है। अगर आप जो है आपका कोई कैरेक्टर बिगड़ता है, कोई चीज़ आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इसके किस प्रकार से पूरे फंक्शन यहाँ पर वर्क करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप आपको मिलेंगे। देख सकते हैं टाइप, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको टाइप टू मिलेगा, टाइप वन मिलेगा। मतलब ये टाइप होते हैं आपके मोबाइल के अनुसार। अगर किसी मोबाइल में ये दोनों टाइप में चलता है, किसी मोबाइल में ये एक टाइप वन या टाइप टू में भी चल सकता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अगर मेरे मोबाइल में तो यहाँ पर ये दोनों टाइप में चलता है, इसको मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये इंटरफेस शो हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने। अब यहाँ पर एक करेक्टर जो कि यहाँ पर ये बिगड़ गया है, ये करेक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको साइड में देख सकते हैं ये ऑप्शन है मैन के, इस पर हमने टाइप किया और यहाँ पर हम कोई भी करेक्टर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये सेट का करेक्टर आ चुका है। अब यहाँ पर अब जो है वो व्हाइट सा चला गया। अब यहाँ पर जो नीचे जो ये मूव का ऑप्शन है, ये यहाँ पर इस करेक्टर के मूव के ऑप्शन है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी करेक्टर को इस प्रकार से खिसकाना चाहते हैं, इस करेक्टर को यहाँ पे लाना चाहते हैं या इस करेक्टर को यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ मूव का ऑप्शन इस प्रकार से काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पर उसी प्रकार से पहले एडजस्टमेंट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसी प्रकार से इनको एडजस्टमेंट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस करेक्टर पर मैंने क्लिक किया, इस करेक्टर पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये करेक्टर अलग अलग जैसे यहाँ पर पोज करने लगते हैं, या तो आप यहाँ पर दूसरा कोई करेक्टर लाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने में कुछ जो इंटरफेस शो हो जाता है, तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपको एक प्ले का बटन दिखेगा। इस प्ले के बटन पर आपको टैप करना, तो सारे करेक्टर उसी प्रकार से शांत हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, बहुत लोगों के डाउट है कि हम रिकॉर्ड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड नहीं होता। ये जो रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जब आप टैप करते हैं और ये जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता, इसका मेन कारण क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर ये रिकॉर्ड करने के टाइम पर आपकी स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने यहाँ पर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको याद रखना है। आपको कोई यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऐप यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट टाइप मेरा दिख रहा होगा। ये ऑप्शन का मतलब यही है कि यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक मिलेगा, जो है बैकग्राउंड चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड टू है, बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने टू किया, इस प्रकार से बैकग्राउंड थ्री किया। यहाँ पर पीछे के देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आप बना सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है, आप अलग अलग कैरेक्टर के यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन भी बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है। मतलब यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ऐड को पहले मैं स्किप यहाँ पर कर देता हूँ, ऐड मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपको ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड करना, तो इस रिकॉर्ड के बटन पर आपको टैप करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फंक्शन यहाँ पर गायब हो जाएगा। आपको जो मैंने बताया, आपको यहाँ पर ऐप यूज करना पड़ेगा, तो ऐप आपको यहाँ पर यूज जरूर करना पड़ेगा, तब आपका ये गैलरी में जाकर सेव होगा। अब यहाँ पर जो आप खुद का बैकग्राउंड लगाएंगे, वो आप कैसे लगा सकते हैं, इस प्रकार से मैंने क्रोमा टून्स पर इस प्रकार से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इसी पर जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐप जो है ऐड की वजह से ही आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं देता, क्योंकि ऐड से ही अपनी रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर करता है। इंपोर्ट बैकग्राउंड जो है आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर मैंने जैसे टैप किया, टैप करने के बाद में मुझको यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से मैं पिक्चर पर यहाँ पर आया,
और यहाँ पर जैसे मैं कोई बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर आसानी से इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए सपोज दैट मैंने इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर लिया और मैंने यहाँ पर ओके पर टाइप कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये वाला पीछे का बैकग्राउंड लग चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड यहाँ पर आसानी से आ चुका है, फिर से यहाँ पर ऐड आ चुका है। ऐड को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड पीछे का यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये देख सकते हैं कि ये जो टीवी जैसा बना है, यहाँ पर अगर हमने टैप किया और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप जब ये हरा हो जाएगा तो मतलब ये पीछे वाला बैकग्राउंड आपका चलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से खिसकाया, देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ये चल, इस प्रकार से आपको इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर उसी प्रकार से पहले कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसी प्रकार से टैप करने के बाद में यहाँ पर जब ये व्हाइट हो जाएगा तो यहाँ पर पीछे वाला बैकग्राउंड लॉक हो जाएगा। ये टॉपिक ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब जो इस पर मैंने जैसे टैप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH1 मतलब CH1 प्रो, CH2 प्रो मतलब ये करेक्टर 1 है, करेक्टर 2 है, करेक्टर 3 है, करेक्टर 4 है। जिस करेक्टर पर को आपको कोई चीज़ यहाँ पर देनी, जैसे यहाँ पर मैंने इसको नाइफ पर क्लिक किया तो पहला वाला करेक्टर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसके हाथ पे चाकू आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पर दूसरा वाला जो करेक्टर इसकी टोपी पर मैंने यहाँ पर टैप किया तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर कोई चीज़ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैडमिंटन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दूसरे वाले करेक्टर के हाथ में ये वाली चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। ये इसका मेन कारण यही है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये काम करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं AUD का ऑप्शन है, न्यू का है, एनिम का ऑप्शन है। इस पर यहाँ पर जो मेन चीज़ है ये IK का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जैसे कोई करेक्टर के हाथ में कोई चीज़ है उसको आप यहाँ पर मूव कराना चाहते हैं तो ये IK का ऑप्शन यहाँ पर काम करता है। इसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से जैसे टैप किया और यहाँ पर ये वाला जैसे बैडमिंटन इसको मैं यहाँ पर ऊपर लेके गया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइड में देख सकते हैं प्लस का, इसको मैंने यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर इसको फिर मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं इसको नीचे पहले लेके आता हूँ, इस प्रकार से नीचे लेके आया, फिर मैंने यहाँ पर इसको प्लस किया, ऊपर लेके गया, फिर मैंने इसको प्लस किया, फिर यहाँ पर इसको इसी प्रकार से जैसे आप इसको ऊपर लेके आए फिर नीचे लेके गए, इस प्रकार से जैसे आप अब यहाँ पर ये करेक्टर थोड़ा सा बिगड़ गया। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो एनिमेशन होगा हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इस वाले को पहले हाथ को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद में रखना। अब यहाँ पर इस हाथ को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, फिर इस हाथ को मैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है इस वाले हाथ को फिर मैं यहाँ पर रिकार्ड पर क्लिक करने के बाद में अब इसको मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ, जिसमें जो एनिम लगा है उसी प्रकार से देखिए एनिम यहाँ पर इस प्रकार से इस पर लगा है, तो एनिम यहाँ पर इस प्रकार से कर रहा है। मतलब एनिम अगर आपको गलत लग गया यहाँ पर गलत प्रकार से एनिमेट ये करेगा, एनिम का मतलब एनिमेट ये गलत यहाँ पर करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना। एनिमेशन आपको अगर जब तक यहाँ पर आप सही नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पर जो है कोई भी करेक्टर उस हिसाब से सही नहीं बनेगा। जिस हिसाब से देखिए यहाँ पर ये करेक्टर पूरे जो है इधर उधर हो चुके हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद में रखनी है। मैंने मतलब एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर बताया है, अगर आपको यहाँ पर दूसरे करेक्टर को एनिम कराना है तो इसी प्रकार जैसे मैंने इसके यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया फिर यहाँ पर इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो है इसको यहाँ पर इसके हाथ को नीचे लेके गया, फिर यहाँ पर इसके हाथ को मैं यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ। देखिए ये वाला इसका देखिए यहाँ पर भी ये करेक्टर इस प्रकार से हो गया है। तो यहाँ पर आपको जैसे इसका एनिमेशन मैंने इस प्रकार से किया, फिर यहाँ पर नीचे लेके आया, फिर यहाँ पर ऊपर लेके गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो उसी प्रकार जैसे हम एनिमेशन यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर उसी प्रकार से एनिमेशन लग जाएगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप जैसा एनिमेशन यहाँ पर जिसके हाथ में कर देंगे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर उसका एनिमेशन यहाँ पर लग जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब जो है थोड़ा सा टाइमिंग वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको जब ठीक से लगाएंगे तब यहाँ पर लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप लगाने सकते लग जाएगा बहुत आसानी से। ऐड की वजह से थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऐड आ गया तो वो चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाता। यहाँ पर अब देखिए जिस प्रकार से आप यहाँ पर एनिम लगाएंगे उसी प्रकार से आपका यहाँ पर करेक्टर एनिमेट करेगा। जैसे यहाँ पर इसके मैंने पैर पर इस प्रकार से एनिम लगा दिया तो यहाँ पर इसका पैर भी उसी प्रकार से एनिमेशन करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ। इस प्रकार से जिसके जहाँ पर जो एनिमेशन हम लगा देंगे उसी प्रकार से एनिमेशन लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन का ये जो है मेन चीज़ क्या है, जब आप किसी करेक्टर के ऊपर किसी को कोई एनिमेशन देते हैं, किसी करेक्टर को आप जो है किसी के ऊपर बैठाते हैं या आप मतलब उसको ड्राइव कराना सिखाते हैं तो यहाँ पर ये तब यहाँ पर लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके पैर में जो एनिमेशन लगाया है यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें टफ हैं और कुछ चीज़ें सरल भी हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, ऐड यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, फिर ऐड आ गए, इसको मैं स्किप कर दिया।
ऐड को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो दो मेन चीज़ें समझनी हो आपको समझनी है, एनिम यहाँ पर ज़्यादा कोई अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका इनका काम यहाँ पर तभी पड़ता है जब आप कैरेक्टर के हाथ में कोई चीज देते हैं, कैरेक्टर को कोई आप पोज देना चाहते हैं, मतलब कोई कैरेक्टर ड्राइविंग करे या मतलब किसी को मारे या मतलब कुदाल लेके कुछ मतलब जमीन खोदे, इस प्रकार से अगर आप जो है एनिमेशन करवाते हैं तब आपको इसकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से हो गई। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें समझनी है, आपको सपोर्टेड यहाँ पर कोई करेक्टर लेके आना तो आप यहाँ पर कैसे लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर मैंने टैप किया और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने इस पर क्लिक किया। नीचे साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट कस्टम का, इस पर मैंने टैप किया। अगर इस प्रकार से मैंने टैप किया, यहाँ पर फ्रॉम ड्राइव पर आपको टैप करना है। इसके बाद में आपको ये करेक्टर इस बात के लिए जब आप कोई करेक्टर गैलरी से उठाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से इस प्रकार से गया, मैंने यहाँ पर खुद के बहुत सारे करेक्टर बनाए तो उस करेक्टर को यहाँ पर मैं किसी भी करेक्टर को लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर इस सेट के सेट का मैंने दूसरा करेक्टर बनाया था, इसको यहाँ पर मैंने ओके किया तो करेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये करेक्टर को मैं लेके आया, देखिए यहाँ पर ये करेक्टर आ चुका। अगर आप इस करेक्टर को बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से करेक्टर बिगड़ गया, इसको मैंने यहाँ पर उसी प्रकार से कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप जैसे यहाँ पर कोई कस्टम करेक्टर आपको यहाँ पर लेके आना तो वो आप यहाँ पर कैसे लेके आ सकते हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है एसपी के, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको जैसे कोई कस्टम करेक्टर लेके आना तो आपको यहाँ पर कस्टम करेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से मैंने इम्पोर्ट पर क्लिक किया, जो मैंने यहाँ पर खुद कस्टम करेक्टर जो यहाँ पर मैंने ऐड करके रखे हैं वो करेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ओके पर मैंने टाइप किया, ऐड आ गया। इसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, ऐड को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। जो जो मैंने यहाँ पर करेक्टर लिया है ये देख सकते हैं, ये वाला करेक्टर है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये पांचवा करेक्टर यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करेक्टर लेने पड़ेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से मैं गया, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस है इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा करेक्टर, जैसे मैं यहाँ पर तीसरे करेक्टर पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट कस्टम का। अब यहाँ पर आपको फ्रॉम ड्राइव पर टैप नहीं करना, अगर आप फ्रॉम ड्राइव पर यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको गैलरी में रिडायरेक्ट करेगा। लोड पर क्लिक करेंगे तो जो करेक्टर का की यहाँ पर ऐड है वो करेक्टर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको कोई करेक्टर लेना है क्रोम से, जो इसकी क्रोमाटून्स की वेबसाइट से, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट करेक्टर का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट करेगा आपकी गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद में यहाँ से आपको वो करेक्टर लेके आना है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग कस्टम करेक्टर जो कि इसकी क्रोमाटून्स के ही हैं वो आपको यहाँ पर करेक्टर मिल जाएगी। सपोर्ट जैसे एक क्वीन का करेक्टर है, इंडियन प्रिंसेस का ये करेक्टर है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ऐड को यहाँ पर कट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो नेम है और इसका जो ये की कोड है, पहले हमको इसके नेम को यहाँ पर कॉपी करना है। तो इसको नेम पर इस प्रकार से प्रेस करना है, इसको हमको यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ से हमको रिटर्न आ जाना है। इस प्रकार से रिटर्न आने के बाद में यहाँ पर जो इस प्रकार से इसका नेम है तो यहाँ पर इसको पहले हमको कट कर देना जो पहले वाला नेम है, और यहाँ पर इस प्रकार से हमको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर ओके पर मैंने टाइप किया तो यहाँ पर इसका नाम जो है इधर आ चुका है, मतलब यहाँ पर। इसके बाद में फिर यहाँ पर इसी प्रकार से हमको यहाँ पर बैक आना है, और बैक आने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आ जाना है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस वाला की कोड को भी कॉपी कर लेना है। इस प्रकार से कॉपी करने के बाद में फिर आपको इसी ऐप पर रिटर्न आ जाना है, आपको ऐप जो है ऑफ नहीं करना। इसके बाद में यहाँ पर इस पर आपको टाइप करना है, और जो यहाँ पर ये की कोड है इसको यहाँ पर इस प्रकार से बैक करके हटा देना है, अपना यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस प्रकार से इसको ओके कर देना है, और आपको यहाँ पर सिंपली लोड पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये प्रिंस का करेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं, ये करेक्टर यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से आप यहाँ पर करेक्टर कोई जो है क्रोमाटून्स एप्लीकेशन से अपने मन का ला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर नहीं वो चीज़ें आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो में वो चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा। वैसे मैंने यहाँ पर जो आपके डाउट्स थे वो सारे यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जो जो लास्ट यहाँ पर जो पार्टिकल इफेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर रैन का ऑप्शन है, यहाँ पर वाटर बबल का ऑप्शन है, रैन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा बारिश यहाँ पर बैकग्राउंड में होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, और बैकग्राउंड आपको कैसे इंपोर्ट करना वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एनिम का जो जो आप यहाँ पर लगाएंगे जो आईकी का ऑप्शन है, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जब सीखेंगे तो कर पाएंगे। मैं आपको सिखाने में वो चीज़ नहीं बता पाया जो मुझे मतलब आपको क्लियर करनी थी, लेकिन आपको यहाँ पर जब सीखेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे की लगानी है यहाँ से प्लस से, उस प्रकार से जैसे आप वहाँ पर की लगाएंगे तो आप यहाँ पर बना पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में अब यहाँ पर जो जो दूसरा मुझे कमेंट मिला था, यहाँ पर वॉइस एडिटिंग कैसे करते हैं, मेल फीमेल की वॉइस एडिटिंग कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जिस भी भाई ने मुझे ये कमेंट किया था कि अपनी आईडियो हम कैसे मेल फीमेल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो कमेंट मुझे बहुत सारे पिकअप हुए, तो मैं आज आपको वो चीज़ भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपको नीचे एक पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से मीडिया पर जाकर मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड पहले ले लेता हूँ कोई सा भी। तो यहाँ पर ये जो है बैकग्राउंड यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो है आईडियो बतानी है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद में लेयर पर जाकर मैं यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन भी ले लेता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर लिया, और यहाँ पर इसको पहले मैं क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद में इसकी वॉल्यूम मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। इस प्रकार से वॉल्यूम मैंने यहाँ पर इसकी कम कर दी। अब यहाँ पर इसकी क्रोमा की मैं हटा देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसकी यहाँ पर क्रोमा की हटा दी। अब यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है, मेन चीज़ जिसकी आपको आइडियो समझनी है, तो यहाँ पर मैं आइडियो पर गया। एक मैंने रिकॉर्ड की है आईडियो, मैं आपको मेल फीमेल दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं जो वाली आईडियो आपको लेकर दिखा देता हूँ, जो मैंने आईडियो यहाँ पर रिकॉर्ड की है, वो जो है कार्टून से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर कैसे आपको बनाना है। स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग से जाके ये आईडियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस आईडियो को लिया, अब यहाँ पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये वॉइस यहाँ पर चल रही है। अब आपको मेन चीज क्या करना है, मैंने यहाँ से माइक थोड़ा सा हटा दिया क्योंकि मुझे ऑडियो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी। वॉइस थोड़ा सा बिगड़ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने इस पर टैप किया, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम पिच है। अगर आपको इस पिच को यहाँ पर ज्यादा कर दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये आवाज जो है थोड़ा सा पतली टाइप की हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके देखिए ये पिच यहाँ पर जो क्या हो गई, यहाँ पर आवाज थोड़ा सा पतली हो गई है। अब यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सा और पतली करनी, तो यहाँ पर इसको पूरा बड़ा कर देना है 5 तक, तो यहाँ पर और भी आवाज पतली हो जाएगी। और यहाँ पर पिच का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का मतलब यहाँ से आवाज आपकी मोटी हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्ले किया। यहाँ पर आपको मेन चीज क्या करनी है, यहाँ पर आपको अलग अलग पिच रखनी है अलग अलग करेक्टर की। किसी का यहाँ पर -4 रखना है, किसी का -3, किसी का -2 या किसी का -1, और कभी कहीं कहीं आपको एक अपनी खुद की आवाज 0 पर लगा देनी है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर जितना चाहे आप यहाँ पर +2 +3 अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगी, ये वॉइस चेंजर का ऑप्शन है। यहाँ से आप जो वॉइस अपनी अलग अलग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये जो मैन का जो है ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक सही नहीं लगते। यहाँ पर जो दूसरा ये चिंपुक का थोड़ा सा सही लगता है। तो इस प्रकार से आप अपनी वॉइस यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मेन चीज क्या है, ये वॉइस चेंजर अगर आप यूज ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। आप यहाँ पर जो है इस वॉइस को वॉइस चेंजर से आप यहाँ पर मिक्सर से आप इसको एडजस्टमेंट करके, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इससे नीचे वाले ऑप्शन से ही आपको सारी चीजें करनी। यहाँ पर इन चीजों को, ऊपर वाली चीजों को आपको इनको नहीं छेड़ना, ये चीज आपको याद रखनी है, तो आपकी वॉइस बिगड़ सकती है। इस प्रकार से आप अपना जो है वॉइस एडिट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, जिस भाई ने भी यहाँ पर कमेंट किया था उसकी मैंने यहाँ पर जो इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब आपको जो यहाँ पर चीज़ें डाउट में हैं, जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं है, मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उसका सोल्यूशन आपको ला के दूंगा। इसी आशा के साथ